दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है और दंगा पीड़ितों के साथ मजाक करा रही है। तो बीजेपी का कहना है कि इस खतरे को देखते हुए ही सुरक्षा दी जाती है। बहुत ही विचित्र बात है और बहुत ही अद्भुत सरकार है कि जो दंगा पीड़ित हैं वो तो दर दर ठोकर खा रहे हैं, और जो कथाकथित तौर पर दंगा आरोपी हैं उनको जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इससे बड़ी विचित्र विडंबना और इससे बड़ा मजाक उन लोगों के साथ जिनके घर जला दिए गए, जिनके कथाकथित तौर पर नुकसान हुआ दंगों में, उन लोगों के साथ इससे बड़ा और मजाक क्या हो सकता है। देखिए, सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही सरकार निर्णय करती है। जिस व्यक्ति पर जितना खतरा होता है उस खतरे का आकलन करती है इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, वो फिर सरकार उस पर निर्णय करती है। ये प्रक्रिया है, और कई कांग्रेस के नेताओं को भी सिक्योरिटी है और वो आकलन के आधार पर उनके पास है। सरकार जिस पर खतरा समझती है, अपने नागरिक की रक्षा करना सरकार का फर्ज है। समाजवादी पार्टी विद्वेष भावना से काम नहीं करती है, कानून अपना काम करता है, प्रशासन अपना काम करता है, इसलिए किस स्तर पर ये किन कारणों से इस तरह का फैसला हुआ उस पर हम बात करेंगे, लेकिन वो प्रशासनिक फैसला होगा। उनको कोई थ्रेट है तब तो उनको दिया जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को सिक्योरिटी देना होगी जेड प्लस, जिन पर जो दंगा कराने का आरोप हो, जो खुद दंगाई हो और उसको सिक्योरिटी दिया जा रहा हो, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही शासन में हो सकता है। तो मुजफ्फरनगर के सरधना से विधायक हैं संगीत सोम, और मुजफ्फरनगर